कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो बात करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी और हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। जैसा कि आपको पता है कि अगर हमें अपने मन की भाव या विचार या हमारे मन की जो भी बात है, अगर हमें किसी को वो बताना है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? भाषा का ज्ञान होना। यदि आपको उस भाषा का ज्ञान है तो आप अपने मन की बात आसानी से किसी को भी बता सकते हैं। जैसे मुझे हिंदी आती है और मैं आपको कुछ बता रही हूँ, लेकिन आपको हिंदी नहीं आती, तो क्या आप मेरी बात समझ पाएंगे? नहीं, आप मेरी बात अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि मेरे जो फेस के जो ये रहेंगे, विचार रहेंगे, जो मेरे हाव भाव रहेंगे, उससे थोड़ा बहुत समझ पाए, या संकेतों के माध्यम से आप थोड़ा बहुत समझ पाए, लेकिन मेरी जो मन की पूरी बात है वो आप नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको हिंदी नहीं आएगी, है ना। जब तक आपको वो भाषा नहीं आएगी जो मुझे पता है, या जिस भाषा में मैं बोल रही हूँ उस भाषा का आपको ज्ञान नहीं है, तब तक आपको मेरे मन की बात समझ में नहीं आएगी। आपको ये नहीं समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए भाषा बहुत जरूरी होती है। तो भाषा की परिभाषा क्या होगी? भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? भाषा मनुष्य के भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम होती है। जो भाषा है वो क्या होती है? भाषा मनुष्य के मन के भावों और विचारों को प्रकट करने का माध्यम है। यदि मन के भावों और विचारों को प्रकट करना है तो भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो भाषा है वो अपने मन के भाव और विचार जो है वो मनुष्य तीन प्रकार से प्रकट कर सकता है। अपने मन के भावों और विचारों को मनुष्य तीन प्रकार से प्रकट कर सकता है, या तो संकेत के द्वारा, जैसे मतलब चुप हो जाओ, या ऐसा कुछ रोने का एक्टिंग कर रहा है तो मतलब रोने का कुछ कर रहा है तो या हंस रहा है तो आप समझ जाएंगे हंस रहा है, ये संकेत है। किसी को ऐसे कर रहा है मतलब बुला रहा है, पर इससे सिर्फ छोटे मोटे संकेतों के माध्यम से, मतलब छोटी मोटी कोई बात है वो आप बोल सकते हैं, पर अगर बहुत बड़ी कोई बात है, बहुत सारा आपको कुछ कहना है, तो उसके लिए तो क्या जरूरी है? आपको भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। ये जो सांकेतिक माध्यम है इसका, सांकेतिक भाषा, ये होती तो काम की है, बिना बोले हमारा काम बन जाता है, बहुत काम की होती है, लेकिन उतनी कारगर नहीं होती है, क्योंकि इससे आपको सही सही समझ में नहीं आता है। आप एक तुक्का लगा सकते हैं, हाँ ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा संकेत कर रहा है मतलब बुला रहा है ना, या फिर ऐसा कह रहा है मतलब रुकने के लिए कह रहा है, तो आप ये संकेतों के माध्यम से छोटी मोटी बात समझ सकते हैं। पर अगर सभी बात समझना है तो उसके लिए तो जरूरी है आपको बोल कर बताना, है ना। तो दूसरा प्रकार है इसका मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब जब मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर प्रस्तुत करता है ना, जब व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर व्यक्त करता है तो वो मौखिक भाषा कहलाती है। और इसका तीसरा प्रकार है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जो बात लिखकर प्रस्तुत की जाती है। जब मनुष्य या व्यक्ति अपने मन की बात लिखकर व्यक्त करता है, अपने भावों और विचारों को लिखकर बताता है, तो ऐसी भाषा लिखित भाषा कहलाती है। तो ये तो हो गए भाषा, और भाषा मतलब जो मनुष्य है वो अपने मन की बात जो है वो तीन प्रकार से कह सकता है, एक संकेतों के माध्यम से, बोलकर मौखिक रूप से, या लिखकर लिखित रूप से, है ना। तो भाषा का मूल रूप मौखिक ही होता है, लेकिन मुख से निकली हर ध्वनि भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। मतलब भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक ही होता है, हम बोलकर ही बात करते हैं, है ना। पर जो इसका हमारे मुंह से हर ध्वनि जो निकल रही है, जरूरी नहीं है कि वो भाषा के अंतर्गत ही आएगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो कहा वो सब भाषा के अंदर आ जाएगी। जो सार्थक ध्वनियां होती है, मतलब जिन ध्वनियों का अर्थ जो हम भाषा बोलते हैं, जो शब्द हम प्रयोग में ला रहे हैं, जो शब्द सही होते हैं, उनका सही अर्थ निकलता है, वही शब्द वही ध्वनियां भाषा के अंतर्गत सम्मिलित होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए आप जानते हैं मातृभाषा किसे कहते हैं? मातृभाषा
मातृभाषा वो भाषा होती है जो बालक जन्म से अपने परिवार वालों से अपनी माँ से सुनते सुनते सीख जाता है, वो मातृभाषा कहलाती है ना। तो बालक अपनी माँ व परिवार से जो भाषा सहज ही सीख जाता है, ऐसी भाषा को मातृभाषा कहते हैं। जो भाषा को बालक अपने माँ और परिवार से अपनी माँ और परिवार से सहज ही मतलब आसानी से सुन सुन कर सीख जाता है, सहज ही सीख जाता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। तो जन्म से बालक अपने घर से ही सब कुछ सीखता है। कहा जाता है ना, जो घर होता है वो बच्चे का पहला स्कूल होता है, माँ उसकी पहली टीचर होती है। उसी प्रकार जो मातृभाषा है वो घर से ही सीखी जाती है। ये भाषा का ज्ञान हमें घर से ही होता है, हम बचपन से सुनते जाते हैं और हम सीखते जाते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, हम बस सुनते जाते हैं, सीखते जाते हैं और फिर वो भाषा हमें अच्छे से आ जाती है। चलिए अब जानेंगे बोली के बारे में। बोली किसे कहते हैं? बोली भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं, मतलब वो भाषा वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र विशेष में ही जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है उसे बोली कहते हैं। बोली ये छोटा रूप होता है, सीमित रूप है भाषा का, ये उस क्षेत्र में ही बोली जाती है। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। तो बोली की परिभाषा हो जाएगी भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे बोली कहते हैं। तो जो बोली है ये सीमित स्थान पर ही बोली जाती है। इसकी विशेषता क्या है कि बोली सीमित स्थान पर ही बोली जाती है, पर ही बोली जाती है। फिर इसकी दूसरी विशेषता क्या है कि ये जो भाषा की तरह विकसित नहीं होती है, ये जो है ये मतलब भाषा जितनी व्यापक है ये उतनी विकसित नहीं होती है। तो यह अधिक विकसित नहीं होती है, नहीं होती है। फिर इसकी तीसरी विशेषता क्या है? इसकी तीसरी विशेषता यह है कि बोली में साहित्य रचना नहीं की जाती है। जो बोली है, जो भी साहित्य रचनाएं होती है वो खड़ी भाषा में की जाती है। जो आजकल की जा रही है वो सारी खड़ी बोली कहलाती है। जो बोली है उसमें साहित्य रचना नहीं की जाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं की जाती है। जो बोली है उसमें साहित्य रचना नहीं की जाती। पहले ब्रज अवधि ये सब मतलब खड़ी बोली में साहित्य रचना होती थी। पहले ये सब क्या होता था, जो ये ब्रज है, ब्रज भाषा जो ब्रज ने बोली थी, तो ब्रज में अवधि में ये सब भाषाओं में पहले क्या साहित्य रचना होती थी। पर आजकल सिर्फ खड़ी बोली में ही साहित्य रचना होती है। अब क्या है, खड़ी बोली बहुत अधिक विकसित हो गई और सिर्फ खड़ी बोली में ही साहित्य रचना की जाती है। चलिए अब जानेंगे कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो राष्ट्र के सभी लोगों द्वारा बोली जाती है। जैसे हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है ना, भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो सभी लोग हिंदी में बात करते हैं, सभी लोग हिंदी बोलते हैं। तो वो भाषा जो राष्ट्र के सभी लोगों द्वारा बोली जाती है ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रभाषा की परिभाषा हो जाएगी देश के पूरे लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा। भाषा जो राष्ट्रभाषा है वो देश के पूरे लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा होती है। जैसे भारत है तो भारत की राष्ट्रभाषा क्या होगी, हिंदी है ना, हिंदी। जापान की राष्ट्रभाषा क्या होगी, जापानी।
रूसकी, रूसी, जैसे रूस की भाषा रूसी हुई, चीन की भाषा को चीनी कहते हैं, चीन की भाषा चीनी, और इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी होती है, ये तो इंटरनेशनल भाषा है, इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी, इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी, और फ्रांस की भाषा जो होती है वो फ्रांसीसी होती है, फ्रांस की भाषा फ्रांसीसी। तो देखिए हर देश की अपनी भाषा होती है और देश के सभी नागरिकों द्वारा वह भाषा बोली जाती है, तो ऐसी भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। चलिए अब हम जानेंगे कि राजभाषा किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, जिस भाषा से राज्य का या सरकारी कार्य किया जाता है ऐसी भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजभाषा वो भाषा होती है जिससे राज्य का सभी सरकारी कार्य किया जाता है, जिस भाषा से राज्य का या सभी सरकारी कार्य किया जाता है, जिस भाषा से राज्य का या सभी सरकारी कार्य किया जाता है ऐसी भाषा को राजभाषा कहते हैं। हर राज्य की उसकी अपनी एक भाषा होती है, जैसे पंजाब की भाषा पंजाबी, पंजाबी। वैसे तो हिंदी जो हमारी भाषा है उसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा मिल चुका है, जो हिंदी भाषा है उसे, हिंदी भाषा को ५४ सितंबर १९४९ को भारतीय संविधान द्वारा राजभाषा का दर्जा मिला, दर्जा मिला। फिर भी हर राज्य की उनकी अपनी एक भाषा है और उस भाषा से ही वहाँ के सरकारी कार्य किए जाते हैं, ठीक है। तो जैसे पंजाब की भाषा है पंजाबी, गुजरात की गुजराती, ऐसे हर राज्य की अपनी अपनी भाषा है, पंजाब की पंजाबी, कर्नाटक की कन्नड़, कर्नाटक की कन्नड़ है, जम्मू कश्मीर की डोगरी है, जम्मू कश्मीर की है डोगरी, जम्मू कश्मीर डोगरी, केरल की है मलयालम, गुजरात की है गुजराती, केरल मलयालम, गुजरात गुजराती, केरल की मलयालम, गुजरात की गुजराती, असम की भाषा को बोडा भाषा भी कहा जाता है और असमिया भाषा भी कहा जाता है, असम की असमिया या बोडा, और कश्मीर की कश्मीरी, असम असमिया या बोडा भी कहा जाता है, बोडा, कश्मीर कश्मीरी, कश्मीर कश्मीरी, कश्मीर कश्मीरी, मणिपुर मणिपुरी, मणिपुर की जो भाषा होती है उसे मणिपुरी कहा जाता है, मणिपुर मणिपुरी, मणिपुर मणिपुरी, बंगाल की है बांग्ला, तमिलनाडु की है तमिल, महाराष्ट्र की है मराठी, उड़ीसा की है, उड़ीसा की भाषा को उड़िया कहा जाता है, तो बंगाल की है बांग्ला, बंगाल बांग्ला, तमिलनाडु तमिल, तमिल, महाराष्ट्र मराठी, महाराष्ट्र की मराठी है और उड़ीसा की उड़िया है, उड़ीसा उड़िया।
ऐसे हर राज्य की उनकी एक भाषा है, ठीक है, और उसी भाषा में वो अपना सभी सरकारी काम करते हैं। उड़ीसा की है उड़िया, तो हर राज्य की उनकी एक भाषा है और उसी भाषा में वो अपने सरकारी राज कार्य सभी करते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे भाषा में मतलब कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी होती है। यदि भाषा को लिखना है तो लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, वो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भाषा को लिखित रूप देने के लिए उसे लिखने की आवश्यकता पड़ती है, और जिस भाषा में लिखना हो उस भाषा के वर्णों का, विराम चिन्हों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मतलब इन्हीं की आवश्यकता पड़ती है, वर्णों की, विराम चिन्हों की, भाषा को लिखित रूप देने के लिए। किसी भाषा को लिखने के लिए वर्णों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है और विराम चिन्हों की, तो इनका ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाषा लिखने के लिए लिपि का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो लिपि किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, तो भाषा को जिन चिन्हों की सहायता से लिखा जाता है, वो ऐसे चिन्ह, ऐसे सिंबल जिनकी सहायता से भाषा को लिखा जाता है, ठीक है, उसे लिपि कहते हैं। भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है लिपि कहते हैं। तो भाषा को जिन चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा यह कौन सी लिपि में लिखी होती है, ये देवनागरी लिपि में लिखी होती है ना। हिंदी भाषा को लिखने के लिए देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वैसे ही और जो हर भाषा होती है उसकी अपनी एक लिपि होती है, तो हम जानेंगे कि भाषा और उनकी लिपि, अलग अलग भाषा और उनकी लिपि हम जानेंगे। तो जैसे पंजाबी है, तो पंजाबी की जो लिपि होती है, पंजाबी भाषा लिखने के लिए जो लिपि प्रयोग में लाई जाती है उसे गुरुमुखी लिपि कहा जाता है। पंजाबी कौन सी, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, गुरुमुखी पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जो उर्दू भाषा होती है वो फारसी लिपि में लिखी जाती है, उर्दू फारसी, उर्दू फारसी लिपि में लिखी जाती है। जो अंग्रेजी है, जर्मन है, फ्रेंच है, ये रोमन लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ये रोमन लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ये रोमन लिपि में लिखी जाती है। जो मराठी और हिंदी जैसी जो भाषा होती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी, हिंदी, ये जो भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए, किसी भी भाषा को अगर आप लिखना चाहते हैं, तो उस भाषा को लिखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उस भाषा की लिपि का ज्ञान होना और उस लिपि का सही प्रयोग करते आना। भाषा तो हम लिख लेते हैं, भाषा हम बोल भी लेते हैं, लेकिन हम सार्थक शब्दों का प्रयोग करके भाषा जब बोलेंगे तो वही भाषा सही भाषा कहलाएगी। उसी प्रकार हम शब्दों को, लिपियों को जोड़कर, वर्णों को जोड़कर शब्द तो बन जाते हैं, लेकिन शब्दों का सही अर्थ तभी निकलता है जब उनका सही रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कह दिया लड़का खड़ी है, तो लड़का के साथ खड़ी है शब्द मैं प्रयोग में नहीं ला सकती, लड़का के साथ खड़ा है शब्द प्रयोग में लाना होगा। लड़का खड़ा है और लड़की खड़ी है, लड़की स्त्रीलिंग है, इस लड़की के साथ खड़ी ही खड़ी है आएगा, और लड़का खड़ा है तो उसके साथ खड़ा है आएगा, क्योंकि वो पुल्लिंग है, ठीक है। तो भाषा लिखते समय, बोलते समय हमें शब्दों का और वाक्यों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सही वर्णों का प्रयोग करना जरूरी है, सही मात्राओं का प्रयोग करना जरूरी है, और साथ ही साथ सही लिंग का प्रयोग करना भी जरूरी है। इसी प्रकार भाषा और व्याकरण का बहुत ही सीधा संबंध है, क्योंकि जब सही व्याकरण का प्रयोग करके भाषा को प्रयोग में लाया जाएगा तभी वह सही भाषा कहलाएगी। तो चलिए यहीं पे हमारा आज का सेशन खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।